आ चुका है यहाँ पे सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करने का। काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि यार लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाए, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का क्या होता है, इसी के साथ साथ इसमें टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, इनको सिंबल को लेके यार काफ़ी लोगों को डाउट आता है। तो आप लोगों को इस वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आप उनमें से हैं तो, ठीक है। आपको बेसिकली ये समझ लो कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, इसका कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट क्रैश कोर्स है। इस एक वीडियो के अंदर आप लोग डेफिनेटली समझ पाओगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं सिंपली यही फैक्ट होता है, उनमें भी ये सिंपली सिंटैक्स होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग PHP का ये वीडियो देख लेते हो ऑपरेटर वाला, लॉजिकल ऑपरेटर वाला, तो आप लोग डेफिनेटली बात कर रहे होगे सिंपली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, सिंटेक्स का भी सिंपल कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे बातें तो बहुत हो चुकी हैं। मैं सिंपली ट्यूट 14 तक तो हमने काफ़ी फाइल बनाई हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अब एक नई फाइल बनाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, जिसका नाम हम सिंपली ट्यूट 15.php नाम से सिंपली एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल बन के यहाँ पे रेडी है। सबसे पहले मैं PHP का ओपनिंग एंड PHP का मैं सिंपली क्लोजिंग टैग डालूंगा। ये डालना ही पड़ता है क्योंकि PHP के अंदर हम सिंपली काम करते हैं। तो क्या देखने वाले हैं हम सिंपली यहाँ पे देखने वाले हैं द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सिंपली इस तरीके से ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो क्या है कि अगर मैं सिंपली कंडीशन देना चाहूँ तो उसमें से मुझे चाहिए कि क्या एक वैल्यू फाल्स है या फिर एक वैल्यू ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं सिंपली यहाँ पे डालूँ एंड, एक सिंपली ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, सबसे पहले हमारा यही ऑपरेटर होता है, इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर माना जाता है। तो ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये सिंपली क्या करता है, देखो सिंपल दैट मैं ए लूँ एक, ठीक है, ए की वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पे डालूँ 5, ठीक है, और बी लूँ, बी की वैल्यू सिंपली मैं यहाँ पे डालूँ 10, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने सिंपली ए की वैल्यू 5 डाली, बी की वैल्यू मैंने सिंपली 10 डाली। मैं सिंपली वेरिएबल डंप का यूज़ करूँगा, और जो वेरिएबल डंप होता है वो क्या करता है, वेरिएबल डंप का मतलब होता है कि सिंपली टाइप रिटर्न किया जाएगा आपको और ये बताया जाएगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा डॉलर एक्स इस तरीके से इक्वल, डबल इक्वल टू, मैंने पहले बता चुका आपको सिंपली कंपेरिजन ऑपरेटर वाले के अंदर, वीडियो के अंदर आप लोग ज़रूर देखना उसको। क्या ये क्या करेगा, ये सिंपली चेक करेगा दोनों को। मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा डॉलर बी इस तरीके से, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यार डॉलर सी इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ 10 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया, बी और सी की वैल्यू मैंने 10 रखी है और ए की वैल्यू सिंपली मैंने 5 रखी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग इसका सिंबल या तो लिखे एंड, या फिर आप सिंपली एम परसेंट लिख सकते हैं, डबल एम% इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग जो चाहें वो सिंपली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एंड लिख के दिखाता हूँ आपको, एंड लिखें, आपको इस तरीके से नहीं देना, कोमा चेक करनी है और ऐसा आपको सिंपली नहीं करना है, आपको सिंपली इस तरीके से डालना है इसमें एंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली डॉलर चेक करूँगा एक्स की वैल्यू क्या बी के बराबर है, क्या बी की वैल्यू बराबर है क्या सी के, डॉलर सी के, इस तरीके से मैं सिंपली कंडीशन चेक कर रहा हूँ। आप लोग गेस्ट करो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। अगर एंड का मतलब होता है कि ये दोनों साइड बराबर होनी ही चाहिए तभी मुझे रिटर्न ट्रू किया जाएगा, अन्यथा मुझे ट्रू रिटर्न नहीं किया जाएगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा, चलो देखते हैं, सेव करते हैं और मैं करूँगा क्या। आप लोग सबसे पहले इसको कॉपी पाथ करें इसको, ठीक, इस कोड को रन करने के लिए आप सिंपली फाइल पर जाएँ, राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ करें, अपना सिंपली ब्राउजर ओपन करें। आप लोग जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं, मैंने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन किया है यहाँ पे, और मैं करूँगा क्या अभी इसके अंदर जाके सिंपली मैं पेस्ट करूँगा। मेक श्योर करना आपकी जो जैम्प है उसके अंदर जो अपाची मॉड्यूल है वो सिंपली स्टार्ट होना चाहिए, और मैंने सिंपली स्टार्ट कर रखा है उसको। मैं यहाँ पे सिंपली एस्ट्रोडॉक्स को रिमूव करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा सिंपली लोकल होस्ट। अभी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एक्स, और राइट मैंने सिंपली एक्स क्यों लिखा भाई, मुझे तो यहाँ सिंपली ए डालना था। सिंपली सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखो मुझे क्या मिल रहा है, सिंपली बोलियन फॉल्स, मतलब एक बोलियन टाइप मिल रहा है मुझे, जो मुझे वेरिएबल डंप रिटर्न कर रहा है, और फॉल्स वैल्यू मिल रही है। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन इसके क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। शर्त यह है, क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू सिंपली 10 है, तो बराबर कैसी हुई। अब यहाँ पे एंड हम फिर चेक कर रहे हैं, क्या बी की वैल्यू सी के बराबर है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो एक कंडीशन अगर इसके अंदर फॉल्स हुई तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। सपोज दैट मैं इसकी वैल्यू भी 10 ही कर देता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलेगा ट्रू। तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या मिल रहा है,
ट्रू मिल रहा है। इस तरीके से सिंपली हम लोग कर सकते हैं। चलो मैं 5 ही कर देता हूँ फिर से। ये सिंपली हमारा एंड ऑपरेटर होता है और इसके अंदर आप लोग सिंपली ये एंड ना लिख के आप सिंपली इस एम्परसेंड साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी लोग एंड ही बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में। तो सिंपली मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है क्योंकि ये जो 5 है ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू के बराबर नहीं है ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं यार। ये सिंपली हमारा एंड ऑपरेटर होता है। चलो जी बढ़िया। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये जो कोड मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये हमारा एक वेरिएबल डंप का एग्जांपल हो चुका है। अब हम बात करते हैं सिंपली और ऑपरेटर के बारे में। अब ये और ऑपरेटर होता है ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा है कि मैं यहाँ पर सिंपली डालता हूँ और सिंपली, ठीक है, और मैं यहाँ पर थोड़ा टेप दबा के स्पेस देता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है, और एंड ऑपरेटर, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं सिंपली यहाँ पे वेरिएबल डंप का यूज़ करूँगा अगेन और मैं यहाँ पे वेरिएबल डंप का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं इसके अंदर डालूँगा सिंपली डॉलर ए सिंपली क्या इक्वल है डॉलर बी के, इस तरीके से मुझे लगाना पड़ेगा। और आप सिंपली कैपिटल लिखें, आप लोग सिंपली कैपिटल लिखें, ठीक है, या फिर आप लोग सिंपली स्मॉल के लिख अंदर लिखें, आप लोग दोनों चीज़ लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, दोनों चीज़ चलेंगी। फिलहाल मैं स्मॉल के अंदर लिखता हूँ। तो एक सिंटेक्स तो सिंपली इसका इस तरीके से लिखते हैं और एक सिंपली यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर मतलब आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी ये वाला, इस तरीके से पाइप ऑपरेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, ए की वैल्यू क्या बी के बराबर है, और अगर ये नहीं है तो अगर डॉलर ए सॉरी बी की वैल्यू क्या बराबर है डॉलर सी के, तो अब इसके अंदर जो रिटर्न किया जाएगा वो किया जाएगा ट्रू, क्योंकि इसके अंदर तो क्या था कि इसमें से दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए तभी ये सिंपली काम करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में सिंपली ऐसा है कि ए की वैल्यू बी है बराबर नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो इसमें ट्रू होती है तो ये सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा। चाहे एक इसमें फॉल्स हो लेकिन एक ट्रू होती है तो ये सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। सेव करते हैं प्रोग्राम को, रिफ्रेश करते हैं और ये देखो मुझे यहाँ पे सिंपली ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी, मैं सिंपली एक वैल्यू इसमें फॉल्स अगर होती भी है, ऐसी कभी कंडीशन आती है कि एक वैल्यू फॉल्स होती भी है, तो मैं सिंपली सेकंड वैल्यू को यहाँ पे ट्रू एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। आप सिंपली इस और का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपली पाइप ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लोग बोलते हैं सिंपली पाइप ऑपरेटर, इसको और ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग सिंपली इस सिंबल को ध्यान में रखें, ठीक है, रिफ्रेश करें इसको, देखो मुझे ट्रू रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से हम सिंपली हम क्या कर सकते हैं, और ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हम सिंपली बात करते हैं एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोर ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर बेसिकली। तो मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं इस तरीके से एक्स और ऑपरेटर इस तरीके से। और बेसिकली इसका जो सिंटेक्स होता है ना, आप सिंपली एक्स और ही लिखते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली वेरिएबल डंप करूँगा इसके अंदर और मैं ऐसा करूँगा, क्या एक्स की वैल्यू बराबर है क्या बी के, ठीक है, एक्स और एक्सोर बेसिकली डॉलर क्या बी की वैल्यू बराबर है क्या सी के। चलो देखते हैं इसका रिटर्न क्या आता है हमको। तो मैं सिंपली सेव करता हूँ उसको और रिफ्रेश करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो मुझे ओके यार मुझे एक्स क्यों लिखा जा रहा है बार बार, मुझे ए लिखना चाहिए था। तो ये देखो मुझे बूलियन वैल्यू ट्रू आ रही है। क्यों आ रही है बूलियन वैल्यू ट्रू, क्योंकि देखो इसका मतलब सिंपली बहुत ही सरल है कि ट्रू इफ अगर सिंपली एक वैल्यू इसके अंदर क्या होती है फॉल्स होती है, सिंपली अगर एक वैल्यू इसके अंदर फॉल्स होती है तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यू सिंपली फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा। सपोज दैट मैं इस ए की वैल्यू को यहाँ पे सिंपली 10 कर देता हूँ तो अब मुझे सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा ये। इसकी दोनों वैल्यू सिंपली दोनों टाइप इसका जो क्या हुआ, दोनों जो कंडीशन है वो सिंपली क्या हुई ट्रू हो गई। तो ये जो दोनों बराबर हो जाती है ना, तो मुझे यहाँ पे सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसमें एक होनी चाहिए, इसमें सिंपली एक होना चाहिए, एक ट्रू होना चाहिए, सिंपली सेकंड आपका फॉल्स चलेगा, ठीक है। तो ये सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो सिंपली यहाँ पे ट्रू रिटर्न मेरे सामने किया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा सिंपली ऑपरेटर होता है वो हमारा ऑपरेटर होता है एक्सोर ऑपरेटर। तो सिंपली ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे यार, लॉजिकल ऑपरेटर। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बेसिकली यही आपके ऑपरेटर्स, आपका सिंपली पहले एंड ऑपरेटर, फिर आपका सिंपली और ऑपरेटर, फिर आपका सिंपली एक्सोर ऑपरेटर, ठीक है। तो बस इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना था आपके लोग के साथ और मैंने किया।
और आप लोग सिंपली इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल वगैरह को। और यार मैं ऐसे ऑसम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो बस गाइज यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।